काष्ठ नक्काशी छापे की हस्तशिल्प कला भारत की एक प्राचीन कला है जो भारत के कुछ राज्यों में की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिलखुआ कस्बा इस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ काष्ठ नक्काशी छापे के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित सरदार हुसैन और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 6 अन्य शिल्पकारों के साथ साथ राज्य पुरस्कार से सम्मानित जयराज सिंह जैसे शिल्पकारों ने जन्म लिया। शीशम की लकड़ी से बने छापों द्वारा घर घर में बेड पर बिछाई जाने वाली चादरों, तकियों और साड़ियों जैसे परिधानों पर बने सुंदर और आकर्षक चित्रों को कई चरणों में छापा जाता है, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले कपड़े मुख्य रूप से सूती धागों, रेशम के धागों और ऊन के धागों से बने होते हैं। सूती कपड़ों की रंगों को सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिससे वर्षों तक इन पर छापी गई कला मिटती नहीं है। ये त्वचा और प्रकृति के लिए अनुकूल होते हैं। पिलखुआ की छपी चादरें देश विदेशों में अपने अनूठे डिजाइनों, रंगों के समायोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं कि काष्ठ नक्काशी छापे की कला को बनाने की प्रक्रिया के बारे में। शीशम की लकड़ी मजबूत है। शीशम की लकड़ी कई तरह की होती है। सड़क की लकड़ी, नहर के पास की लकड़ी और खेत की लकड़ी। खेत की लकड़ी में इसकी जो है ना, ये वाइटनेस जो होती है ये ज़्यादा होती है। सड़क की में कम होती है, पत्थर होता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पत्थर। और नहर की लकड़ी में पत्थर होता है। ये लकड़ी खेत के लिए, खेत के में जो मिलती है वो ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है सफ़ेदी। सबसे पहले शीशम की लकड़ी के टुकड़ों को 1 साल तक प्राकृतिक वातावरण में सुखाया जाता है। टुकड़ों की घिसाई करके सतह को चिकना करते हैं। देखिए, हमने इसको घिस तो दिया है। अब इसके बाद में हम इसको लगाते हैं ट्रेनिंग बॉर्डर सफ़ेद करने के लिए, जिस पर डिज़ाइन हमारा सही आ जाए, चमक जाए हमारा। अब इसके बाद सूखने के बाद में अब ये इस पर डिज़ाइन लिखा जाएगा। हमारे पिताजी इस काम को करते थे, उनसे हमने ये सीखा। करेंगे कोई सा भी डिज़ाइन हो, चाहे कितनी बारीक हो, उस तरीके से हम डिज़ाइन पे इस पर करेंगे। इस तरीके से हम जो है इस पर पेन चलाएंगे, जो हमारे डिज़ाइन है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये जैसे कि टिप गया ये, तो इसकी बहुत बारीकी से दौड़ गुनिया करनी है, ताकि छप जाए, कारीगर छाप ले। इस तरीके से छापने के बाद जो है मैं इन कारीगर को दे दूँगा। पेड़ पौधों को देखकर, उनके फूलों पत्तियों को देखकर, जो हमारे अंदर दिमाग में जो बात आती है उसी हिसाब से मैं डिज़ाइन बनाता हूँ। नक्काशी बारीक और पैने औजारों से की जाती है। इसको गोद करके अब इसकी रेक बना रहे हैं, तो हो गया। उसके बाद जो है ये बहुत महीन रेक बन जाएगी इसकी। ये जो प्रिंट हुई हुई चीज जिसमें चमक रही है, खाली दोनों पाई से इसको इस तरीके से बनाएंगे हम। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये सब निकल जाएगा, बाकी यही चीज़ रह जाएगी जिस पर कार्बन। चिकना करने वाले इस पर घिसते, इस तरह से इसको पाना बोलते हैं। हम इसको इस तरह से छीलते हैं, तैयार करते हैं। हम ये सुराग इसलिए इसमें करते हैं कि छपने के बाद में दाग ना दें, क्योंकि अगर हम होल नहीं करेंगे तो कपड़े पे दाग आ जाती है। डंडा, शीश का हैंडल, शीशम
सागौन या पीपल की लकड़ी का बनता है। चुभेगा नहीं हाथ में। ये सरसों का तेल है, हम ये छापा तैयार, हम इस छापे को तेल में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये पानी में जाने के बाद में जल्दी खराब ना हो, इसकी आउटलाइन मोटी ना हो जाए। छापा तैयार हो गया है, हैंडवर्क है, दस्तकारी है, इसे जितना सीखो जितना सिखाओ उतनी बढ़ती है, ये घटती नहीं है। मैं समझता हूँ शायद 5% या कुछ बढ़ती या 10% भी शायद अब नहीं है, ये सब स्क्रीन में आ गया और लकड़ी के छापे से काम होता था, वो 10-5% रह गया है और अगर यही हाल रहा तो उम्मीद है कि शायद वो भी आगे को नहीं रहे, क्योंकि लोग कोई भी दस्तकारी हो आपके काम हिंदुस्तान में सैकड़ों हैं और अलग अलग हैं अपने अपने, ऐसे ही छापे का काम भी है और यही पुराना ट्रेडिशनल काम है, मेरे भी बाप दादा से काम होता आया है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं और अगर इन चीज़ों को किसी किताब में या किसी लिटरेचर में लाया जाए इसलिए कि उससे अगली जनरेशन यानी आने वाले बच्चे कुछ समझ सकें कि ये क्या काम है, किस लिए ये चीज़ें किस चीज़ में काम आती थी, या ये चीज़ें अब जो आ रही हैं ये और यह चीज़ जो मशीन की बन रही है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसका क्या फ़ायदा है। मैं नेशनलवाड़ी मास्टर क्राफ्ट्समैन हूँ और मैं इस काम को करीब 40 साल से लगातार कर चला रहा हूँ। प्रिंटिंग और बहुत सी प्रिंटिंग आई है तो उससे हैंड प्रॉप प्रिंटिंग बहुत कम हो गई है, मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद में शायद भी कोई और करने वाला होगा, आदमियों को जागरूक करने के बारे में एक आम आदमी तक पहुँचाई जाए, फैलाई जाए ताकि वो नया काम सीखे समझे और करे भी, इसी से ज़िंदा रहेगा, वरना ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ढूंढते रह जाएंगे काम कहाँ था, कब होता था और कैसे होता था। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के चलते मशीनीकरण हुआ है जिसका प्रभाव हस्तशिल्प कला पर भी देखा जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम, मुझे 40 साल हो गए ये काम करते हुए, अगर गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन दे और जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन दे तो हो सकता है, अभी मान लिया मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को भी ला करके ये काम सिखा सकूँ, लेकिन जब मेरी मजदूरी पूरी नहीं पड़ती है मेरा ही गुजारा बहुत मुश्किल होता है, अपने बच्चों को कैसे इस काम में लेके आ जाऊँ। जहाँ कभी घर घर में काष्ठ नक्काशी करते शिल्पकारों के औजारों का संगीत गूंजता था, आज वहाँ एक खामोशी छा गई है और पिलखुआ के इन शिल्पकारों की संख्या ना के बराबर रह गई है। ये शिल्पकार भी अपने जीवन यापन के लिए इस कला को त्यागने पर मजबूर हैं। काम इतना कम हो गया है कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, खाना भी टाइम से सही नहीं खा सकते हैं। हमारी लोक कलाएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। काष्ठ नक्काशी छापे की कला हमारे राष्ट्र की परंपरागत धरोहर है, वर्तमान और भविष्य के लिए आवश्यकता है। कला और शिल्पकारों को संरक्षित करने एवं प्रकृति को बचाने की, इन्हें महत्व प्रदान करने की।